हे माय ब्यूटीफुल सखियों, तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग वहीं से जहाँ पे कल एंड किया था। और बड़े व्लॉग की डिमांड थी तो आज बड़ा व्लॉग होने वाला है। ये लोग इतने बदतमीज हैं, मेरे को शूट करने नहीं दे रहे। आगे आगे भाग जा रहे बंदर होते हैं ना, मेरी हालत खराब हो जाती है बंदर देख के। तो छिटम झपट्टा मार लेते रेस्टोरेंट में आगे, जिससे कहते हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक चोटी वाले बाबा मिले। हाँ, हाँ। अभी देख लो पता लगेगा आपको। सामने फोटो क्लिक कर सकते हैं। वाले बने होते हैं वो, आदमी लोग। हाँ आदमी होते हैं। तो मेरी बहुत सी सखियां तो ऋषिकेश घूम ही चुकी हैं, पर जो नहीं घूमी है वो मेरे संग बैठे बैठे घूमी है। मैं घुमा रही हूँ आपको और मैं बन गई हूँ आप सबकी तुलसी वीरानी, और ले जाऊंगी आपको आज घुमाने। तो देखिए अभी तुलसी वीरानी की तरह मैं आपको बुला रही हूँ कि चलो मेरे साथ। और यहाँ शालू से चला नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ऊंची है, तो मैं खींच के उसको भगा के ले जा रही हूँ कि चल भाग के चलते हैं। बाबा हाय प्रमोद जी, नया पर्स कब लिया तुमने? पैकेट से खरीदा, पैकेट से। कितने का लेके आई हो? ये ऑफर चल रहा है, मुझे पता नहीं। ओह माय गॉड। और हम लोग बच्चों को लेके नहीं आए क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे, और बच्चों की एक अपनी टीम बन चुकी है घर पे, तो वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। तो हमने बोला हम घूम के आते हैं, और वॉक करके सांस तो फूल रही है बट अच्छा भी लग रहा है। और मोमो चाउमीन देखने का मन नहीं कर रहा क्योंकि जब घर में इतना खा लो ना तो बाहर बिल्कुल मन नहीं करता। गाइस अब कहाँ मिलते हैं ऐसे घर देखने के लिए। देखिए पेड़ देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिट्टी के कच्चे घर और बड़े बड़े दरख्त जिनके नीचे बैठने का वो बनाया जाता है, चबूतरा बोलते हैं आई थिंक उसको, बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत ही शांति है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भैया खुश हो? आ गई शालिनी, खुश हो मंजू बिस्ट? और किसी को कोई शिकायत? कहाँ गई थी तुम? पानी में कहाँ गई थी तुम ब्लॉग छोड़ के? मैं ऑफिस के गोल गोल में घूम रही थी। लोगों ने सोचा हमारा झगड़ा हो रखा है बहुत तगड़ा। हम ऑफिस के गोल गोल में, मैं ऑफिस के गोल गोल में घूम रही थी, और अब मैं फ्री हो गई हूँ। 1st of January से आई एम टोटली फ्री। हाँ मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। ये बल्ले बल्ले। चलो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे ये रास्ते, बहुत सुंदर रास्ता है यार। रास्ता देखो लग रहा है, देखो कितना सुंदर है। कौन नहीं चलना चाहता? मैं चाहती हूँ मेरी सारी सब्सक्राइबर्स हमारे संग यहाँ पे चले, है ना? कितना मजा आए। चलो आगे चलते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, रुक जाओ कम वक्त हो। इधर आ। कितना बोला तूने? पहले इसने बोला 3 किलोमीटर, फिर बोला दीदी 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 सही रहेगा, दीदी 1.5 किलोमीटर। सच्चाई रखो सबके सामने। आंटी हो मेरी। चुप चुप रहे आंटी के बच्चे, इतना देर से चलाया जा रहा है। कोई बात नहीं, 3 किलोमीटर तो हम चल लेंगे। आप दो मतलब 5 किलोमीटर चला दिया और दो और बता दी उसके आगे। ये तो वही वाली बात होगी जब हम वहाँ गए थे ना, कहाँ अमरनाथ यात्रा। तो जैसे हम जाते थे लोग कहते थे बस बेटा आगे आगे आगे, बस बेटा आगे आगे, बम बम भोले बोलते, बम बम भोले ऐसे बोलते बोलते कई घंटे हो गए। ठीक है प्रमोद, उसके बाद मुझे मेरी चंडी चढ़ गई। और सबसे बड़ी बात इसलिए था क्योंकि मैं हील पहन के अमरनाथ यात्रा करके आई थी, हील पहन के। तो इसका लिए तो मुझे गिनीज बुक में, जो हील्स थी वो कौन सी कंपनी की थी सबको बता दो। ये तो सुनो पहले, हील्स पहन के गई थी। अनुप ने बोला गोले शूज ले लो वो बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने कहा अच्छा मैं नहीं पहनती लड़कों जैसे जूते, मैं तो हील पहन के जाऊंगी ऊपर। जो लड़के जैसे जूते पहनने के लिए मना करता था ना, आज उसको देखो। मतलब मुझे तो गुस्सा आया, मैंने शिव जी को बोला खुद तोड़ के चले गए थे वहाँ पे। एक अंकल कह रहे मुझे शांत बेटा शांत शांत, आगे आगे बस, वो सामने वाली पहाड़ी पे। कहाँ पर है अब? अब तो पिट जाएगा, सच्ची कह रही हूँ। तो इसको तो हमें जंगल में खो देगा ये। ये देखो इसको खुद ही नहीं पता। चलो ना। मैं नहीं जा रही, इधर जाना है कि इधर जाना है डिसाइड कर ले, बीच पे देखो इसका हालत देखो किस वे धटे। धुई दिखा इसकी, धुई धुई में लत्तू मारू इसकी मैं। कितने किलोमीटर है सच बताओ ना भैया? हाँ इसने तो 5 किलोमीटर चला दिया इसने मेरे को इतनी देर से। 25 होते ना मैं यहाँ से उल्टे पैर भाग जाती हूँ, वगैरह 25 किलोमीटर। और मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है, और जंगल देख के सुसु आना तो लाजमी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा प्रमोद और वैभव है तो मैं सुसु करूँ तो कहाँ करूँ। चलो देखते
और गाइस ये मैं बताऊंगी नहीं कि ये पेड़ के पीछे क्या करके आ रही है, ये पेड़ के पीछे कुछ करके आ रही है, मैं हल्की होके आ रही हूँ, खनिज तत्वों का दान करके आ रही है। अब तुमने ये वाला पर्स कब लिया? ये भी मैंने अभी पता नहीं ब्रांड याद नहीं, मुझे बहुत खरीदे मैंने। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाइस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुसु करते हुए। और प्लीज कोई भी बैड कमेंट मत करना यार, ये नेचुरल चीजें आ जाती है। क्यों क्यों वैभव, वैभव तो ज्यादा पत्थर मारूंगा मैं किसी पर। 5 किलोमीटर इसने मुझे 5 किलोमीटर चलाया और देखो कितना इतरा रहा है। तो ये इस जगह की बात कर रहा था हा? तो यहाँ पर है 84 कुटियाज ऋषि मुनियों की, और अभी अंदर जाके देखते हैं, शूट करने देते हैं तो मैं जरूर शूट करूंगी। ओके तो चलिए चलते हैं अंदर। टाइगर है बेटा, वैभव बेटा इधर आ, मेरे बच्चे इधर आ। बेटा कौन सा जन्म का बदला ले रहा है तेरे चढ़ाई चढ़ा चढ़ा के कुत्ते? वसूल तो करना चाहिए जितना खाए कैलोरीज। ये आप देख रहे हो ये भाई साहब, भगवान जाने कब खत्म होगा रास्ता। तू गो तू मेरे को पिद्दी लेके जाएगा, मैं से थक गई यार। चौरासी कुटिया जो अब दिखाई नहीं दे रहा है, आई एम सॉरी। चले तो ये देखिए, ये बनी है 84 कुटिया। तो आई एम सॉरी कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा है। तो इसी तरह से 84 कुटियाज बनी है, एंड ये है डबल स्टोरी अगर आप देखेंगे तो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में भी, बट आप देख सकते हैं कि इनको किस तरह से गुबंद जैसे होते थे ना उस टाइप से बनाया गया है। अब तो खैर बच्चों ने इस पर देखिए पेंटिंग वगैरह कर दी है, वही सब लिखना वगैरह। और ये आप देख सकते हैं कि देखो एक ही रूम में इन्होंने सीढ़ी भी बनाई है और ऊपर एक और रूम बनाया है, और जितनी जरूरत होती है उतनी ही स्पेस पर पर्सन के लिए इसमें इनफ है। ये देख सकते हैं आप, एक ऊपर भी रूम है और यहाँ पे भी पेंटिंग कर दी है बच्चों ने। तो और बालकनी है छोटी सी वो आगे की साइड, बट मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं तो नीचे उतर आई इसमें से। अच्छा नंबर भी दे रखे इन्होंने कुटिया को, 14-15 इस टाइप से सब है। ये 19 नंबर में पहुंच चुके हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पे सारी कुटियाज बनी हुई आप देख सकते हैं, 19 नंबर दे रखा है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, आई डोंट नो कितनी पुरानी है ये, क्योंकि इसमें लाइट वाइट भी है यार। नहीं तो मतलब अभी जब सब सुविधाएं आ गई थी तब इनको बनाया गया था मुझे लगता है। ये इनका लैट्रिन बाथरूम हुआ करता था, ये इनकी सीढ़ी, एंड ये इनका रूम है। और ये इनका रूम का गंगा जी तो नीचे गंगा जी बह रही है और उसकी आवाज आ रही है। ये देखिए जगह जगह कुटिया बनी हुई है, ये 26 नंबर कुटिया है। ये अच्छा है कि आसपास ही है कुटिया हा? और इसकी जो फीस है अंदर आने की वो है पर पर्सन 150 रुपीज। और मैं आपको यहाँ से दिखाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर दृश्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दिख रही है गंगा जी, एंड इट्स लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। कैमरा इतना जस्टिस नहीं करता है इन चीजों को जितना आप इनको खुद से आके देखते हैं। ऊपर है सूर्य देवता एंड नीचे गंगा मैया, एंड यहाँ है जंगल ही जंगल। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देख रही हूँ अनुप ने शायद कोई चिट्ठी भेजी हो मेरे लिए। यार ये कहाँ गुम हो गया, किस किसने इसमें लेटर डाला है हमें बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने तो बहुत डाला है ब्लू कलर का, वो अंतरदेशी होता था और पोस्ट कार्ड भी होता था येलो कलर का। चलो फोटो भी खींच देंगे। अच्छा येलो कलर का पोस्ट कार्ड मेरे जमाने का था। तुम मुझसे बड़े हो, आज ये रहस्य खोल ही दूं। प्रमोद मुझसे 6 महीने बड़ा है। खाई हेरो मुख हमारी जमाने का होता था रे, मतलब मैं बड़ी रे, 6 महीने बड़े लोग मुझसे। अरे भगवान को तुम रोज ही पूछते हैं। धूप रखे या बत्ती रखे जला लो?
तो करने पड़ेगा। अंडा खाते ना सुबह? इसे बोली बाबा, सॉरी। ए बाबा तो खुद ही भांग, बाबा बोला बोला। भांग ही तो खाते, नॉनवेज थोड़ी ना खाते। भांग तो वेजिटेरियन होती है। चलो इनमें से एक भी जना यहाँ पे जू करने नहीं आया, फोटो की आग। हम साले 30+, हमारा चाय का मन हो रहा है, हम चाय की चाय, इसको लग रही फोटो 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 के। ये देखो कैसे तान के, ये देखो तान के फोटो खींच दो, फोटो खींच दो मुझसे, फोटो खींच दो, कहाँ फोटो खींच दो बताओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट अ ट्री। और बहुत ही घटिया शॉट देते हुए नीज में मोड़ के पीछे बाबा जी है, पीछे बाबा जी के संग कोई पोज बोल रही हूँ मैं। ऐसे गोद में बैठो, गोद में बैठो। ए प्रमोद तुम इनके इस वाले हैंड में बैठो, देखो हैंड का पोज लो। ए मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के गोद में बैठने के लिए नहीं बोला है, वो हाथ है ना जो उनके गोद में बैठो, हाँ ये बोला है मैंने। ऐसा लगे कि बाबा गोद में घर में बैठा करो एक दूसरे के। अरे वहां चलो ना यार। तो यहाँ पे हम बहुत वॉक करते करते घुसे एक हॉल के अंदर, और इस हॉल के अंदर शालू को हमारी एक खेल सूझा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हो रखी हैं, आप देख ही सकते हैं, और बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स हैं। तो ये बहुत बड़ा सा एक हॉल था, तो यहाँ शालू ने मुझे आवाज दी कि दीदी इधर आओ। सो गाइस देख पा रहे हैं आप कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। एंड शालू और प्रमोद बुला रहे मुझे, हाँ आ रही। हाँ जो हम करने जा रहे हैं ना, ये हर यूट्यूबर का ख्वाब होता है, और हर यूट्यूबर किससे बनता है, अपने सब्सक्राइबर्स से। तो जो आप लोगों की वजह से मैं हूँ। चल कर रहे हैं, अब चलो। सो गाइस वी आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग ईयर। जबी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो वी रिप्रेजेंट हेयर आप सबकी प्यारी लिव योर लाइफ विद सीमा, और हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उन्हें अवार्ड के लिए। और अवार्ड में प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू टू कम अप इन स्टेज। आप जानते हैं लिव लाइफ विद सीमा से आज सीमा जी हमारे साथ हैं, आप उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो आइए इन्हें इसके लिए एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो आप सबके प्यार की तरफ से मैं ये इन्हें देना चाहता हूँ। बहुत खुश हूँ आप सबकी वजह से मुझे अवार्ड मिला फाइनली। इस अवार्ड का मैं कब से एक साल से इंतजार कर रही थी। थैंक यू मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, नाम नहीं लूँगी किसी का भी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं लड़कियाँ, और चार पांच का नाम लेती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उनको बुरा लगता है, तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगी। तो जितनी भी मेरी सारी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको थैंक यू। काश ऐसा भी दिन आए, है ना? आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा ऐसा भी। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि सीमा तुम बहुत पीछे चल रही हो और बहुत सारे लोग आगे निकल गए हैं, तो मैंने उन्हें पता है क्या जवाब दिया? तो मैंने उनसे कहा कि आपने खरगोश एंड कछुए वाली कहानी सुनी है? तो वो बोले हाँ। तो मैंने कहा बस खरगोश तेज भागता है लेकिन जीत हमेशा कछुए की होती है। तो आई नो कि हम धीरे हैं बट हम ज़रूर जीतेंगे एक दिन, और हमारा एक अपना अलग तरीका है व्लॉगिंग का और उसे यूनिक ही बनाना है मुझे। वो रोज़ की दाल रोटी एंड सब कुछ करके हम कभी भी आगे नहीं पहुँचेंगे, इसलिए मैं बहुत 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 कोशिश करती हूँ कि वैराइटीज़ मिले आप लोगों को,
और कभी कभी लेट हो जाता है ना वीडियो, तो बुरा मत माना करो, ठीक है। एंड लव यू माई न्यू सब्सक्राइबर्स, जितने भी हैं कमेंट किया करो, जो लिखते हैं ना, आज हमने पहली बार कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो शायद आज मैंने कुछ उनके लाइक किया तभी कमेंट किया है ना। लुक एट दिस, सो इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, तो मिलते हैं। ओ माई गॉड, इसको देखो कहाँ बैठा है गधा, बैठ बैठ बैठ, ओ माई गॉड, मैं वो देख तेरी पेंटिंग, तेरी फोटो किसने बनाई यहाँ पे, देख देख आती हूँ, आ जा, देख वैभव, देख तू देख, देखो गाइज ये वैभव की पेंटिंग किसी ने यहाँ बना रखी है, ये जब वैभव की पूछ हुआ करती, ये देखो ये जब वैभव की पूछ हुआ करती थी, जब वैभव, ये देखो ये वैभव। ब्यूटीफुल सखियों, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप और मैं वेट कर रहे थे, है ना। मैंने तो खैर महसूस किया है, अब आपकी बारी है। असल में होता क्या है कि आप जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, जैसे हम यूट्यूबर होते हैं और आप हमसे मिलना चाहते हैं ना कि हमें उस यूट्यूबर से मिलना है, तो यार हम तो एक आम इंसान होते हैं, हमें खास कौन बनाता है, आप लोग। अगर आप लोग ही हमें प्यार नहीं दोगे तो हम खाए के यूट्यूबर, हम कोई यूट्यूबर नहीं होते, हम एक आम इंसान होते हैं। तो बात तो बड़ी तब होती है ना कि जब लोग आपको रास्ते में पहचानना शुरू कर देते हैं और आपको पता चलता है कि आप असल में कर क्या रहे हो लाइफ में, वो जब आप लोग हमें बताते हो, है ना। कमेंट से तो पता चल ही जाता है, बट इतनी बड़ी दुनिया में एक जंगल के बीच जब कोई आपको अपना मिलता है और कह के पुकारता है सीमा, आप लिव योर लाइफ विद सीमा से हो ना, तो क्या होता है फिर, ये होता है। It's a very very proud moment for me. Thank you so much. I just saw you. Oh. You look such a, and you have this really nice kid. Parth. I'm so happy. Oh. So doing such a great job. I'm so happy Literally for you. No. Thank you so much. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि किसी ने पहचाना मुझे। एकदम। अरे बिल्कुल। What's your name? मधुमिता। मधुमिता, I think आपने मुझे comment किया है। Yeah, करी होंगी क्योंकि आपका काम अच्छा है। Actually, I've seen a few times. सबसे बड़ी बात है कि आप वैसे ही दिखते हैं। इतनी आसान तरीके से मैंने पहचाना। अरे इनको तो मैं जानती हूँ। देखो अभी हम झूठ मूठ खेल रहे थे कि और देखो कितना अच्छा लगा कि उन्होंने रियली कहा कि आपको वैसे ही पहचान लिया और मैं यही कहती थी मुझे मिलना चाहिए ₹150 वसूल हो गए ₹150। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यही कहती थी कि जब मुझे कोई बाहर मिले तो ऐसे ही पहचान ले और वो कहे कि यार ये वही है बिना मेकअप के। तो आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ नाउ कि उन्होंने बोला आप वैसे ही दिखती है, बहुत आसानी से पहचान लिया। और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, इनको तो पहले पहचान लिया लेकिन मुझे जो पहचाना वो पुराने घर वाली वीडियो में पहचाना गया है, बताओ। थैंक यू सो मच मधुमिता, आपने मेरा दिन बना दिया। हमने कर दिखाया प्रमोद, हमने कर दिखाया, गले मिल यार। लव यू गाइस, काश मैं आप सबसे भी मिल पाऊँ एक दिन, बैटरी खत्म हो गई पर भगवान ने थोड़ी सी बचाई थी हमारे इस पल के लिए, सच्ची। लव यू, आज चाय तो बनती है यार, सब बना के पियो एक्स्ट्रा। तो ये कमाया है मैंने यूट्यूब से मेरी सखियों, आप सबको पाके मैं इतनी अमीर हो गई हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ। अगर सच कहूँ ना तो पिछले 2 महीनों से मुझे 1 रुपए भी यूट्यूब से नहीं आए हैं, बट मैं फिर भी उतनी ही शिद्दत से काम करती हूँ आप लोगों के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सब मुझे प्यार करते हैं, आप सब ने मुझे एक आम इंसान से एक खास इंसान बना दिया है, आपकी सीमा। तो कौन कौन रोया आज, मैं तो अभी भी रो रही हूँ।